बतिया बेहोश हो गई साले लगता भाई प्यार का प्यासा रह जाऊंगा दस पर हाथ रख देता हूं और साली बेहोश हो जाती है पर नहीं बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ अगर ये खबर ठाकुर नटराज जान गया तो कामत हो जाएगी ए हा हंसना नहीं कोई पटाई तुम लोग नहीं जानते ये ठाकुर रंजीत सिंह की खोपड़ी है एक दिन की बात याद करो जिस दिन अमृतवा हमरे हवेली आया था क्या बोला था कि ठाकुर मैं तेरे दरवाजे ठोकने नहीं आऊंगा आज और जो ऐसा मौका नहीं मिलेगा मैं चलता हूं कदूको ठाकुर साहब बहुत बुरा हुआ ठाकुर साहब अमृत वाले विजय को मारकर नदियों में फेंक दिया उसके बाद झूठा इल्जाम लगेगा और मैं साफ बचाऊंगा देखते रहना रंजीत क्या करता है हेलो लड़के के दादाजी 11 रुपए का पुरस्कार पलट चुके दीवान जी यही काली घाटी है और सामने सोनिया नदी बह रही है क्या देख रहा भाई दूर कभी कुछ रहा है चला के निकल दीवान जी उन्नति में देखिए वो उन्नति के किनारे देखिए कोई लाश है या और कुछ है तभी पास में जाके देखिए मैं यही हूँ अरे साहेब भूत बहुला अबे मैं खड़ा हूं ना रुक जाओ अच्छा आगे लोड कई लेन दे कौन आ साले अब कौन मिलेगा मुझे दीवाती क्या हुआ बे साहब भूत है कहाँ भूत है वहाँ चुड़ैल है अब बंदूक बंदूक वहाँ छूट गई चल देख हुकुम वही खड़ा है ए हुकुम भाग गया चल मेरे साथ दिखा कहाँ चलो साहब आ रहा हूँ भूत तेरी बाकी यही भूत है देवान जी ये लड़की अभी जिंदा है लड़की है हाँ इसको नदी से बाहर निकाल फौरन निकाल पानी बहुत पी गई है इसके शरीर से पानी निकाल मैं लड़की के पानी निकाल रहा रुको इसे होश में लाइए होश
पिराजी। मैं पहले बताइए चुचुचुचुड़ा। इससे पूछो कौन है ये? लड़की होगी ना, पूछ क्या है? ए लड़की, क्या नाम है? लड़की, ये कहा थी मोर नाम लड़की ना? साहेब लड़की है। मैं कहता हूँ नाम पूछ, लड़की तो मैं भी देख रहा हूँ। ए लड़की, तेरा नाम क्या है? मैं नहीं जानती साहेब, ये कहा थी मैं नहीं जानती हूँ। तू सच? अरे लड़की, क्या नाम है तेरा? जो हम पूछे सच सच बताना। अरे आजी नाम का है, अरे आजी नाम का है, इतनी बड़ी है और ना तुझको नाम मालूम और ना तुझके मकान का पता मालूम। मेरे ख्याल से ये नदी में गिरने से अपनी याददाश्त खो बैठी है। लेकिन लड़की, हम तुझे ऐसे कहां पहुंचाए? ठीक है, हमने तेरी जान बचा दिया है, अब तू कहीं भी जा, हम अपने ड्यूटी पे चले आओ। साहब, जब मेरा कुछ कोई पता ही नहीं है तो मैं ऐसे कहां चली जाऊंगी साहब? क्या नाम है साहब? मुझे नहीं पता। तो मैं तुझे क्या करूं और कहां ले जाऊं? साहब मुझे अपने साथ ले चलिए। तेरा दिमाग सही है कि नहीं? नहीं तो मैं तुझे अपने साथ ले जाके क्या करूंगा? चुप, वहां ले जाऊंगा, मेरे डिपार्टमेंट के लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि तुम्हारी पत्नी है। अच्छा, इतने को तुझे होश आ गया, पत्नी बनना चाहती है? लेकिन हमसे ये सब नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे। ए, ए, लड़की आए। दीवान जी, जब मुझे अपने साथ नहीं ले जाना है तो मुझे मर जाने दीजिए। ये तो जैसे बहुआरी चिल्लाओ। ए लड़की, उन्हें ले जाते तब मेरे साथ। क्या तुम्हारे साथ? पहले अपनी शकल देखी है? शकल और क्या, पैंट फटा फटा पहन के आए हो? अरे यार, अबे मचाओ रहा, हम जलेबी खाए भेड़ रहे हो? कसम से ढुकानी कानी पिलाई आई, जीभ लपलपावत पूछी लावत मोहित दे। ए तो साहब, तुम्हार लार चुई जात। हां कसम से, वो पिलाई मोरे शकल कई देखित भी होश हो गए। और मैं अब नहीं देखूंगी तुम्हारी तरफ, नहीं मैं पागल हो जाऊंगी। क्या बोले? ये मुकन
नहीं देखे साहब, ये कह रहे हैं कि एक पिलाई मेरे तरफ देखकर बेहोश हो गई है। साइड पे लग, तू मुझसे प्यार करना चाहती है क्या? आए दैया, ये तबा जम उठा रहा थे। तेरा नाम क्या है? तुझे कुछ नहीं पता? ये हमारे ऊपर ने कुआ छीन कर क्या भाई? लेकिन मैं तुझे ले जाऊंगा, डिपेंड के लोग हैं सारे, क्या कहेंगे और क्या मैं तुझे नाम दूंगा? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी सर। सत कह रही है? देख मेरा भी यहाँ कोई नहीं। मुझे तुम आजमा रहे हो क्या? अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहती है जी, तो फिर मेरे नाम का सिंदूर अपने मांग में भर के हमेशा के लिए तुझे मेरा जीवन साथी बनना पड़ेगा। सच्ची में? हर मैं तेरे इक्स में। दरबरिया दीवान, तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी पलीत कर दिया। साहब मोरे इज्जत को धब्बा लगा दई है। ये क्या करता है? मोरे पीछे कई चढ़ ले। क्यों बे, कैसे चढ़ लेता है? ओए कैसे चढ़ लेता है बे हरामखोर दरबारी? दीवान जी इधर आ, अब तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हमने तुम्हारे कहने से प्यार कर लिया इस लड़की से। वो कहाँ खोलत है? क्या खोला बे? पैंट खोलत है। क्या हो गया? खुल गया दीवान जी, अब तू हमारे रूम का सारा आइटम ला के देगा। मैं सारा आइटम ला के दिया हूँ। बर्तन है, खाने का सामान है, राशन है, सब ला के इनके रूम में देना है।
बिल्कुल वगैरह वगैरह हाँ वगैरह ला के दे फे इनके मुँह में घुसे रब लाई जाके ए हो करे जा और तेरे होठों पे अपने मुस्कान रखे दो आ मेरी जान तो प्यार करने देंगे और ना ये तमीज से खड़े होंगे। हाँ। दीवान जी हम रूम चल रहे हैं और इनको दीवान जी को हवलदार को लेके आ। ओके सर। आ सकते हैं। अरे आ मेरी जान मैं तुझे अपनी जान। हेलो। देख लो सर जैसे कछुई का मुंह बना हुए साले कान फाट जाएगा साला कह पड़े साहेब प्यार कर रहे थे मर ऊपर कह चढ़ रहे दीवान जी हेलो आवे श्रीमान लड़के के दादाजी ये सिंदूर तुम्हें 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी शुक्रिया हमारी बेटी विंध्या चमन घूमने के लिए गई है हम उसके आने का इंतजार करते हैं ठाकुर साहब बहुत बुरा हुआ ठाकुर साहब क्या हो गया बहुत बुरा हुआ ठाकुर साहब आखिर हुआ क्या अमृत वाले विद्या को मार कर नदिया में फेंक दिया ठाकुर साहब क्या हाँ ठाकुर साहब अमृत वाले हमारी बेटी विद्या को मार कर नदी में फेंक दिया ठाकुर साहब तू कहा था उस वक्त ठाकुर साहब मैं गुजर रहा था रास्ते से और अचानक मैंने सुना और तुरंत तुम्हारे पास आ गया ठाकुर साहब तो उस मक्कार को तो जान से क्यों नहीं मार दिया अरे मैं क्या करूं जब मैं वहां मौके में नहीं था ठाकुर साहब यानी तू मौके पे नहीं था और विद्या को जान से मार कर नदी में फेंक कर भाग गया तो मुझे अमीरता चाहिए जिंदा या मुर्दा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं अमृतवा को पकड़ कर तुम्हारे कदमों में डालूंगा ठीक है चार जीते मुझे अमीरता चाहिए जिंदा या किसी का सूरत तू इतना मुझे रिमाई मानती किसी का सूरत तू इतना मुझे
से चले गए तब से मेरी अमित का कोई अता पता नहीं रहता है, ना जाने कहाँ रहता है कहाँ नहीं। आज चार दिन हो गए ये घर भी नहीं आया है, आखिर ये कहाँ रहता है। देखती हूँ मैं, हाँ भैया तेरा बेटा मितवा कहाँ रे? तेरा बेटा मितवा कहाँ है? अरे हुआ ठीक है चार दिनिया जी को जाल से मार कर नदिया में फेंक दिया। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तेरे बेटे को ठाकुर नटराज ने हवेली में बुलाया है। इसको बुलाने हरामजादी मां तेरी जिंदगी छीन लूंगा। सच कहती हूँ, मेरा
गया बेटा घर पर तो झूठ बोल क्या है तुझे सोने से सवा नहीं मिलता तो तुझे पता क्या माँ की गलती और मुझे बता दे तानसाही तेरी सुनूंगा कौन मिला क्या तूने अरे किया क्यों बता कौन मिला तक कौन मिला क्या तूने अरे किया क्यों बता बिजल तेरा बिता नाता क्या है घर के जो न दिया मैं तूने किया कून पिया का तूने किया तूने खून करके पिया को मार कर लज्जा में भरा दिया झूठ बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है तू आराम चाहता मैंने पिया का खून नहीं किया मैं अपनी माँ की सौगंध खा कर अगर तूने भिंडिया का खून नहीं किया तो चल मेरे साथ तुझे ठाकुर साहब हवेली बुलाए हैं। रंजीत तेरी दुश्मनी मुझसे है अगर मेरी माँ के ऊपर जुर्म ढाया तो सुन हरामजादे सुन ले अरे अगर मेरी माँ पे कुछ जुर्म